हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे अगेन वी आर हियर विद न्यू टॉपिक्स इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो लेट अस स्टार्ट न्यू टॉपिक, दैट इज द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन्स। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 रिएक्ट विद हैलोजन्स टू फॉर्म हैलाइड्स। जब एलिमेंट जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राइड्स बोलते हैं। और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं एलिमेंट तब ऑक्साइड्स बोला जाता है। और जब हम बात कर रहे हैं हैलोजन के साथ रिएक्शन करता एलिमेंट तो हैलाइड्स बनते हैं। तो ग्रुप 15 एलिमेंट जो है, ग्रुप 15 एलिमेंट फॉर्म टू टाइप ऑफ हैलाइड्स, दैट इज ट्राई हैलाइड्स एंड पेंटा हैलाइड्स। ट्राई हैलाइड्स मीन्स हैलोजन एटम, थ्री हैलोजन एटम जो है एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और पेंटा हैलाइड्स में 5 हैलोजन एटम जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। जो ट्राई हैलाइड्स का फॉर्मूला होगा That will be EX3 and pentahalides में तो होगा that will be EX5। So इनके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। जब pentahalides आएगा तो pentahalides को पढ़ेंगे, यहाँ पर पहले हम trihalides को डिस्कस करेंगे। Trihalides फॉर्मूला क्या रहेगा, EX3 is the element, X is the hydrogen atom, like ammonia, जैसे अमोनिया NH3 होता है, अमोनिया में पिरामिडल ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है सेंट्रल एलिमेंट की। सिमिलरली यहाँ पर ट्राई हैलाइड्स में भी जो ट्राई हैलाइड्स की स्ट्रक्चर है वो भी ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है और इसमें भी सेंट्रल एटम जो है sp3 हाइब्रिडाइज होता है। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। आउट ऑफ 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हैलोजन एटम्स टू फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल जैसे PCl3 की स्ट्रक्चर है तो यहां पर देखें फास्फोरस के मान लो sp3 हाइब्रिड है यहां पर, तो इसके जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उनमें से 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 क्लोरीन एटम्स के साथ मिलकर के 3 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। और जो 4th sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है दैट कंसिस्ट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे फास्फोरस में PCl3 का स्ट्रक्चर बनाया है, NCl3, NF3, NBr3, NI3 का लिंटोन ही बनाया, क्योंकि अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो ट्राई हैलाइड्स है नाइट्रोजन के NF3 है, NCl3 है, NBr3 है, NI3 है। ट्राई हैलाइड जो है नाइट्रोजन के अनस्टेबल होते हैं एक्सेप्ट 1 NF3। NF3 जो है वो थोड़ा बहुत स्टेबल होता है बिकॉज नाइट्रोजन और फ्लोरीन जो है बोथ आर ऑफ कंपेरेबल एटॉमिक साइज, जिसकी वजह से NF3 थोड़ा सा स्टेबल होता है। अदरवाइज जो NCl3 है, NBr3 है, NI3 है वो अनस्टेबल होते हैं। NCl3 एक्सप्लोसिव होता है और NBr3 एंड NI3 ये जो ट्राई हैलाइड्स हैं ये देयर अमोनिएट्स, अमोनिया के साथ जो कंपाउंड होते हैं उनकी फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड्स हो अनस्टेबल क्यों होते हैं, दिस इज ड्यू टू इन द अनस्टेबिलिटी ऑफ NCl3, NBr3, NI3 इज ड्यू टू वीकनेस ऑफ हैलेक्स बॉन्ड ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ नाइट्रोजन एंड हैलोजन एटम्स। नाइट्रोजन स्मॉल साइज का है, हैलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लार्ज साइज के हैं, तो ओवरलैपिंग टुवर्ड्स बॉन्ड फॉर्मेशन जो है प्रॉपर नहीं हो पाती, जिस वजह से एनएक्स बॉन्ड वीक होता है और इसी वजह से जो ट्राई हैलाइड्स हैं NCl3, NBr3, NI3 वो अनस्टेबल होते हैं ड्यू टू वीकनिंग ऑफ एनएक्स बॉन्ड। अब यहां पर देखो PCl3 है, PF3 है, PBr3 है, PI3 है, तो सेम एलिमेंट के जो ट्राई हैलाइड्स हैं उसके केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी हैलोजन एटम की उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे हैलोजन की इंक्रीज होगा बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। देखो PF3, PCl3, PBr3, PI3 जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जा रही है हैलोजन एटम की और बॉन्ड एंगल क्या होता जा रहा है डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ट्राई हैलाइड जो है वो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होते हैं विद आयनिक रिएक्टर। आपने स्टार्टिंग में फोर्थ यूनिट में ये पढ़ा था कि जो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड जो यानी कि एक कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है जब दो एटम के बीच में बॉन्ड बनता है
तो वो बॉन्ड कोवलेंट होगा या आयनिक होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द टू एटम्स। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम्स के बीच में 1.9 का होता है तब उस बॉन्ड में एग्जैक्टली 50% आयनिक करेक्टर होता है और 50% कोवलेंट करेक्टर होता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होगा, आयनिक करेक्टर इंक्रीज होता है, कोवलेंट करेक्टर डिक्रीज होता है। तो इस केस में क्या बोल सकते हैं कि कोई भी बॉन्ड बनता है बिटवीन द टू एटम्स तो वो कोवलेंट और आयनिक करेक्टर दोनों रखता है, और जब लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तब वो प्योरली आयनिक हो जाता है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एक से दूसरे पर ट्रांसफर हो जाते हैं। अदरवाइज एक बॉन्ड जो है उसके अंदर कोवलेंट करेक्टर और आयनिक करेक्टर दोनों होते हैं। तो ये कह रहा है कि ट्राई हैलाइड जो है वैसे तो मेनली कोवलेंट होते हैं, बट जैसे जैसे टॉप टू बॉटम ग्रुप के अंदर मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, तो उस केस में आयनिक करेक्टर की अमाउंट उसके अंदर बढ़ती जाती है और कोवलेंट करेक्टर की अमाउंट घटती जाती है। नेक्स्ट चीज, ट्राई हैलाइड रीडली अंडरगो हाइड्रोलिसिस बट प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द एलिमेंट। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये पढ़ा कि जो ट्राई हैलाइड्स है दीज आर प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट, बट डाउन द ग्रुप जब मूव करते हैं आयनिक करेक्टर इंक्रीज होता जाता है, कोवलेंट करेक्टर डिक्रीज होता जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग टॉप टू बॉटम जब जाते जा रहे हैं तो प्रोडक्ट जो हाइड्रोलिसिस का वो डिफरेंट होता जा रहा है। NCl3 जब हाइड्रोलाइज होगा वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, NH3 अमोनिया प्लस HOCl हाइपोक्लोराइड बोलते हैं इसको। PCl3 में H3PO3 फॉस्फोरस एसिड होता है, AHCl3 में H3SO3 आर्सेनस एसिड होगा, SBCl3 में एंटीमोनी ऑक्सीक्लोराइड और बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड। इन दोनों में प्रोडक्ट डिफरेंट है, क्यों है डिफरेंट, क्योंकि ये दोनों आयनिक करेक्टर जो है वो इनके अंदर ज्यादा होता है, मीन्स कोवलेंट करेक्टर ऊपर वाले में कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है, आयनिक करेक्टर कम है, नीचे आता रहता है आयनिक करेक्टर इंक्रीज होता जाता है, इसीलिए आयनिक कंपाउंड ऑक्सी एंटीमोनी ऑक्सीक्लोराइड बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड इन्होंने बनाया है। तो ये जो हाइड्रोलिसिस, तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम मूव करते हैं हाइड्रोलिसिस, देखो ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। इसी क्या पता चला है कि जो रिएक्शन है प्रोडक्ट बनाएगी, प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्शन बनाता है, रिएक्टेंट बनाता है, प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट क्यों बना रहा है, क्योंकि ये कम स्टेबल है, मीन्स हाइड्रोलिसिस आसानी से नहीं होती। तो ये जो हाइड्रोलिसिस क्या होगा, टॉप टू बॉटम हाइड्रोलिसिस का जो ईज है, आसानी है, वो कम होती जाती है, इसीलिए ट्राई हैलाइड एलिमेंट के ये ऑर्डर फॉलो करते हैं टुवार्ड्स हाइड्रोलिसिस, NaCl3, PCl3, AHCl3, SbCl3 एंड सबसे कम क्या है, BiCl3। अब हम बात करते हैं कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के जो ट्राई हैलाइड्स हैं, अब देखो नाइट्रोजन को छोड़कर के नाइट्रोजन में 7 एटॉमिक नंबर है, 1s2, 2s2, 2p3, तो इसमें आगे 2d नहीं होता, तो वेकेंट 2d ऑर्बिटल होता ही नहीं। तो उस केस में क्या है, जो नाइट्रोजन है इसमें डी ऑर्बिटल की एब्सेंस होती है, तो डी ऑर्बिटल की एब्सेंस होने की वजह से और साथ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड्स हैं वो ल्यूइस बेस एक्ट करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन वैसे NCl3 है, तो यहाँ पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दिस कैन बी डोनेटेड टू एनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो उस केस में ट्राई हैलाइड्स नाइट्रोजन के ल्यूइस बेस का काम करते हैं, और जैसे जैसे हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है, या ऐसे बोले कि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती जाती है, तो ये ल्यूइस बेस का जो करेक्टर है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। देखो इसका रीजन क्या है, जैसे मान लो ये NH3 का केस लेते हैं और फिर NCl3 का केस इसके साथ में लेंगे, साथ में हमने लिया है NCl3 का केस, तो यहां पर देखें ये क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, तो क्या होगा, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दीज आर मोर शिफ्टेड टुवर्ड द क्लोरीन एटम, तो जिसकी वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव करेक्टर लेके आएगी, ठीक है। तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव करेक्टर रहेगा तो लोन पेयर इसके पास खुद इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो ये दूसरे को क्या डोनेट करेगा, तो इस वजह से ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी टेंडेंसी रहेगी कि दूसरे को ऊपर ना जाए, इस नाइट्रोजन की ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है उसको पूरा करेगी।
बट जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कम खींचेंगे। नाइट्रोजन के पास स्मॉल साइज है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब स्मॉल रीजन में प्रेजेंट है तो वो आसानी से किसी दूसरे को दिया जा सकता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है हैलोजन एटम की, वैसे वैसे जो है इसका लुईस बेस कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है। क्लियर है? तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ लुईस बेस कैरेक्टर ऑफ द ट्राई हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब हम बात करते हैं पेंटा हैलाइड्स की, इसकी बात करेंगे पेंटा हैलाइड्स की। पेंटा हैलाइड्स का फॉर्मूला क्या होगा? EX5। सो डियर स्टूडेंट, जो पेंटा हैलाइड्स है, आपको पता है नाइट्रोजन जो है वो पेंटा हैलाइड नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि जो नाइट्रोजन के अंदर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में क्या होगा कि उसकी वैलेंसी जो है 5 तक एक्सटेंड नहीं की जा सकती। मैक्सिमम नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी होती है और 4th वैलेंसी किसकी वजह से होती है? ड्यू टू लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब वो डेटी बॉन्ड बनाता है तब होती है 4 वैलेंसी भी, अदरवाइज 3 होती है। ठीक है? तो डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड्स नहीं बनाता, बाकी जो एलिमेंट है वो पेंटा हैलाइड्स बनाते हैं। सो डियर स्टूडेंट, जो पेंटा हैलाइड्स है, पेंटा हैलाइड्स की बात करें, अभी मैंने बताया कि नाइट्रोजन तो है ये पेंटा हैलाइड्स नहीं बनाता, तो क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटा हैलाइड्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। क्लियर है? अब बात करते हैं पेंटा हैलाइड्स जो है EX5 होते हैं। इन कंपैरिजन टू ट्राई हैलाइड्स, पेंटा हैलाइड्स आर, जैसे जैसे टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करेंगे तो पेंटा हैलाइड्स की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती जाती है। स्टेबिलिटी ऑफ पेंटा हैलाइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू दो रीजन है इसके। फर्स्ट है इनर्ट पेयर इफेक्ट। सेकंड रीजन है साइज डिफरेंस बिटवीन हैलोजन एंड एलिमेंट। देखो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, फॉस्फोरस के पेंटा हैलाइड की बात करते हैं, जैसे फॉस्फोरस है PCl5 की बात कर रहे हैं। ठीक है? तो फॉस्फोरस की जो आउटरमोस्ट कॉन्फिगरेशन है वो क्या होगी? 3s2 3p3 होगी। उसके बाद फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, इसमें क्या होगा? 4s2 4p3, यहां पर 5s2 5p3, यहां पर 6s2 6p3 लास्ट की कॉन्फिगरेशन है। तो जो फॉस्फोरस के बाद जैसे नीचे जा रहे हैं तो हैवियर एलिमेंट्स के केस में स्पेशली लास्ट एलिमेंट है, अदरवाइज लास्ट के दो एलिमेंट में सबसे ज्यादा लास्ट एलिमेंट के ऊपर बात करते हैं। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं हैवियर एलिमेंट जो होता है, हैवियर एलिमेंट्स के केस में जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ एस ऑर्बिटल, ये जो 6s2 है, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन पेयर शो रिलक्टेंस टुवर्ड्स द बॉन्ड फॉर्मेशन। रिलक्टेंस मीन्स अनिच्छा। ये जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हैवियर एलिमेंट्स के केस में क्या होता है, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए रिलक्टेंस शो करते हैं, जिसकी वजह से प्लस ये दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। एज ए रिजल्ट सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, जिसकी वजह से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है और +5 की घटती है। क्लियर है? दूसरा, ये साइज डिफरेंस दिखा रखे हैं, हैलोजन का एलिमेंट का लार्ज साइज डिफरेंस रहेगा तो बॉन्ड जो है वीक होता जाएगा, इसीलिए वो स्टेबल नहीं रहेगा। पेंटा हैलाइड्स की जो स्ट्रक्चर की बात करें, फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड जैसे कि PCl5 स्ट्रक्चर की बात करें,
पेंटाहेलाइट जो है दीज है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होती है पेंटाहेलाइट की, जैसे कि पीसीएल 5 की बनाई है। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो 1, 2, 3 ई थ्री बॉन्ड्स आर इक्विटोरियल बॉन्ड्स, ये कौन से बॉन्ड है इक्विटोरियल बॉन्ड्स, इक्विटोरियल पीसीएल बॉन्ड्स, और ये ऊपर नीचे जो है ये क्या है पीसीएल एक्सियल बॉन्ड्स, इनको क्या बोलते हैं पीसीएल एक्सियल बॉन्ड्स। सो डियर स्टूडेंट पीसीएल एक्सियल बॉन्ड्स, एक्सियल बॉन्ड लेंथ पीसीएल बॉन्ड लेंथ एक्सियल बॉन्ड है दीज आर लॉन्गर, और पीसीएल इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ वो शॉर्ट होती है। बॉन्ड लेंथ जो है बॉन्ड लेंथ ऑफ पीसीएल एक्सियल इज ग्रेटर देन पीसीएल इक्विटोरियल। अब इसके बाद क्या होता है ये जो बॉन्ड एंगल है यहां से इनका बॉन्ड एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, और इक्विटोरियल जो है इनका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, और एलिमेंट जो है sp3d हाइब्रिडाइज होता है sp3d हाइब्रिडाइज्ड, और ज्योमेट्री क्या होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। कौन सी होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ट्राइगोनल तो ये ट्राइंगल जैसे ट्राइंगल है, बाइपिरामिडल एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे, एप्सिलॉन पिरामिडल क्यों बोलते हैं इनका इन तीनों के साथ ऐसे पिरामिड हो गया दूसरे एलिमेंट का भी नीचे की तरफ पिरामिड होगा, तो दो पिरामिड होंगे और एक बीच में ट्राइगोनल ट्राइंगल की जैसी होगी तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री की होती है। फास्फोरस पेंटाहेलाइट की स्ट्रक्चर हमने बनाई है। सुनिए स्टूडेंट्स जैसे कि हमने पढ़ा है कि पेंटाहेलाइट जो है वो लेस स्टेबल होते हैं, बिकॉज पेंटाहेलाइट्स जैसे जैसे टॉप टू बॉटम मूव करते हैं इनर्ट पेन इफेक्ट आता है, इनर्ट पेन इफेक्ट की वजह से लार्ज साइज डिफरेंस की वजह से +5 की बजाय +3 स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसी रीजन की वजह से PCl5 जो है डिसोसिएट हो जाता है PCl3 और PCl3 साथ में Cl2 में, तो यहाँ पर +5 स्टेट में था और यहाँ पर किसमें जाता है मोस्ट स्टेबल +3 स्टेट में और प्लस में Cl2, जैसे ही Cl2 प्रोड्यूस कर रहे हैं इसीलिए PCl5 गुड क्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। दूसरी बात यह है कि जो PCl5 है ये कोवलेंट वेपर फेज में कोवलेंट नेचर का होता है, बट सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन स्टेट में वो आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये दो आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जिसमें से जैसे PCl5 है और दूसरा PCl5 है, PCl5 प्लस PCl5 तो एक Cl जो ट्रांसफर हो जाता है, तो एक बार आ जाता है PCl4 प्लस दूसरा बन जाता है PCl6 माइनस। तो ये जो PTCl4 PTCl6 ये क्या है ये आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है तो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर इसकी जो स्ट्रक्चर है इस आयन की स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है और दूसरे आयन की स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होती है। जो PBr3 है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है वो PBr4 + Br- की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और Pi5 जो है ये Pi4 + I- इस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है। अब जैसे कि आपने देखा है कि पेंटाहेलाइट्स है तो नाइट्रोजन को छोड़कर के बाकी एलिमेंट पेंटाहेलाइट्स बनाते हैं, तो क्यों बनाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, तो उन वेकेंट डी ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन पीएम को एक्सेप्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से पेंटाहेलाइट जो है वो ल्यूइस एसिड की तरह काम कर सकते हैं। तो ड्यू टू पेंटाहेलाइट एक्ट एज ल्यूइस एसिड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, तो सेंट्रल एटम क्या कर सकता है कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देयर बाय सो इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 से 6 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो MX5 PCl5 लेंगे प्लस X- Cl- तो PCl6- बन जाएगा, तो देखो जब MX5 से MX6- में जाता है यहां पर sp3d हाइब्रिडाइजेशन होती है और एक क्या कन्वर्ट हो जाता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हमने NCl3NF2 की हाइड्रोलिसिस पढ़ी थी हैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन की, तो ऐसे ही पेंटाहेलाइड्स की हाइड्रोलिसिस अगर हम पढ़ें तो PM5 जो है वो हाइड्रोलिसिस नहीं करता, क्यों क्योंकि हाइड्रोलिसिस में फास्फोरस ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा, तो बट फास्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड जो है उसके कंपैरिजन में फास्फोरस
फ्लोरीन का जो बॉन्ड है ऑलरेडी जो प्रेजेंट है PF5 में वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए PF5 हाइड्रोलिसिस नहीं करता। बट बाकी के जो हैलाइड्स है PCl5 है, PCl5 के बाद जो आपका है PBr5 है, PI5 है, वो हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर के साथ क्या बनाने के लिए, फॉस्फोरिक एसिड प्रोवाइड करते हैं, H3PO4 फॉर्मेशन करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो आपको ये जो कराया गया है तो इसका जो नोट्स है आपको इसी में से बनाने हैं। प्रीवियस वीडियो के नोट्स वहां तक आपको सेंड करके, बट जैसे आप जो है पेंटा हाइलाइट्स या हाइलाइट्स वाला कंसेप्ट करेंगे तो यहां से आपको वीडियो से नोट्स बनाना है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।